हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैम खान, फोटोशॉप का एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आज हम फोटोशॉप में फ़ोटो मैनिपुलेशन करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फोटोशॉप ओपन किया, उसके बाद क्रिएट न्यू किया अपने एक पेज लेने के लिए। यहाँ से मैं वेब में जाता हूँ और अपनी पसंद का जो मुझे साइज़ चाहिए 1920x1080 ये साइज़ मैंने सेलेक्ट किया। रेजोल्यूशन थोड़ी कम है तो रेजोल्यूशन थोड़ी बढ़ा लेता हूँ मैं। 200 किया मैंने, RGB वाइट बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद प्लेस एम्बेडेड इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने डेजर्ट सेलेक्ट किया। ये मैं अपने साइज़ के हिसाब से इसको सेट करता हूँ। ट्रांसफॉर्म ये हुआ है, अगर नहीं होता तो मैं Ctrl+T या Cmd करता तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता। मैंने अपने साइज़ के हिसाब से, पेज के साइज़ के हिसाब से मैंने इसको सेट कर लिया है। इस पर डबल क्लिक किया मैंने, इसको ओके कर दिया। अब मैं मुझे इसको मास्किंग करके यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना है, अलग करना है इसको। तो मैं सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट किया, पेन टूल लिया मैंने और यहाँ से इसको अंदर अंदर से इसकी मैंने क्लिप बनाया। यहाँ से मैं इसको रिड्रॉ करूँगा। जितना एरिया मुझे चाहिए बस उतना एरिया मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा और क्लिप मास्क करने के लिए मुझे इस पर Ctrl+T प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये मास्किंग पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा डेजर्ट अलग हो गया जितना मुझे रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोबारा मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद प्लेस एम्बेडेड और यहाँ से मैंने इसके क्लाउड सेलेक्ट किए, क्लाउड की फ़ाइल को प्लेस करवाया और ये क्लाउड अपने साइज़ के इस इमेज के हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लाउड के लेयर को मैं नीचे ले जाता हूँ। रिजल्ट ऊपर आ जाएगा और क्लाउड नीचे चले जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको सेट किया, आई थिंक दिस इज़ नाइस। क्लाउड्स को थोड़ा सा ब्लर करना है तो फिल्टर में गया तो ब्लर और यहाँ से गॉशियन ब्लर तो थोड़ा सा आई थिंक अब ये 2.5 मेरे ख्याल में बेहतर है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ से ये डेजर्ट है मेरा, इसकी लाइट थोड़ी सेट करनी है मुझे तो यहाँ से पहले मैंने क्लाउड को देख लूँ, क्लाउड का लाइट सेट कर दूँ। यहाँ से मैंने एक नई लेयर सेलेक्ट की और मैंने यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पर वाइट कलर ऊपर हल्का सा वाइट कलर मैंने इधर कर दिया ताकि फोग बन जाए थोड़ा सा। यहाँ पर दोबारा से मैं क्लाउड पे आया और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर से मैंने यहाँ पर लेवल सेलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा डार्क कर दूँगा क्लाउड को भी और इसी तरीके से मैं डेजर्ट को भी लाइट करूँगा। आई थिंक ये लेवल मैं इस पर पहले डेजर्ट को देख लेता हूँ और मैंने इसको क्लिप मास्क कर दिया सबसे पहले ताकि इसी पर मेरा इफ़ेक्ट अप्लाई हो। ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा से एडजस्टमेंट लेयर में गया और यहाँ से यू सैचुरेशन पे गया, यहाँ से सैचुरेशन मैंने इसकी कम कर दी और थोड़ी सी ब्लैकनेस को बढ़ा दिया। इसको भी मैं क्लिप मास्क कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ अप्लाई डेजर्ट पर ही हो। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर मैं स्टॉर्म पे आऊँगा दोबारा से, ये क्लाउड्स पे और यहाँ से भी मैं इसको सैचुरेशन वगैरह इसकी कम करके क्लाउड्स की सैचुरेशन कम कर दूंगा इसकी ताकि थोड़े ग्रेइश हो जाए। इसको भी क्लिप मास्क कर दिया मैंने, ये क्लाउड और ये डेजर्ट सेट हो गए तकरीबन। अब मैं यहाँ पर ऊपर लेयर के बाद फिर मैं यहाँ पर अब दोबारा फाइल में गया, फाइल में जाने के प्लेस एम्बेडेड और मैं मून को सिलेक्ट करूँगा। प्लेस करवाया मैंने यहाँ पर मून को तो जितना मून चाहिए मुझे उसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ रखा और इसको सिलेक्ट किया मार्केट टूल से, सिलेक्शन टूल से मैंने इस पर शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस पर मून के अंदर अंदर सिलेक्शन बना ली। लेकिन मुझे इसको बिल्कुल शार्प कट नहीं चाहिए इसलिए मैं सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फैदर, थोड़ा सा फैदर मैं इस पर अप्लाई करूँगा। तो आई थिंक 5 और 6 जो आपको बेहतर लगे मैं 5 रखता हूँ। 5 करने के बाद मैं इस पर यहाँ पर सिलेक्शन हुई भी है, ये सिलेक्ट हुई हुई है लेयर भी और मैं यहाँ पर मास्किंग पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है जी, उसके बाद अब मैं ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मून अलग हो गया है, ट्रांसफॉर्म किया मैंने और मून को मैंने यहाँ रख दिया।
यहाँ रख दिया मैंने मून को। अब मुझे क्या चाहिए, मून में थोड़ी सी लाइट बढ़ानी है मून की, क्योंकि बैक मून के नीचे से भी कुछ लाइट निकलती है, तो इसलिए मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट की और इसको क्लिप मास्क किया। क्लिप मास्क करने के लिए राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो इसके अंदर ये चली जाएगी। मैंने ब्रश सेलेक्ट किया और इस पर मैं वाइट कलर से साइज छोटा किया मैंने, राउंड ब्रश सॉफ्ट, और मैं इसका 20-50 कर लेते हैं आई थिंक। इसकी ओपेसिटी मैंने 50 की और यहाँ पर हल्का हल्का सा वाइट इसके एज पे कर दिया अप्लाई। ये देखें, ये मून पे मैंने कर दिया। अब मून के नीचे थोड़ी सी लाइट आनी चाहिए, तो एक और नई लेयर क्रिएट की और मैंने मून के नीचे ये लेयर को रख दिया। उसके बाद फिर अगेन ब्रश सेलेक्ट किया मैंने, अगेन वाइट कलर लिया इसके अंदर मैंने, और थोड़ा सा साइज मून के हिसाब से बढ़ा देंगे। और मैंने यहाँ पर 1 click, 2 click, 3 click, 4 click कर दिया। ये आई थिंक दिस इज़ नाइस। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्लाउड को थोड़ा सा और डार्क करेंगे ताकि मून निकल के आए, थोड़ा सा विजिबल हो जाए हमारे पास। मैंने इसकी जो ये वाइट लेयर मैंने सेलेक्ट की थी, इसके ऊपर मैं एक और नई लेयर सेलेक्ट करता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पर ब्रश लेके ब्लैक बढ़ा दिया मैंने इसका साइज़, और इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 20 और 21। यहाँ साइड में मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है जी, ताकि उसके बाद मेरी ये सही से लाइट अप्लाई हो सके। उसके बाद क्या करना है मुझे कि मुझे इसके यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि मून यहाँ रखा तो इसकी लाइट भी यहीं पर आएगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मास्किंग पे जाके थोड़ा सा इसको मास्किंग में प्ले करना पड़ेगा। तो मैं इसको साइज़ को थोड़ा छोटा किया और इसके ब्रश के साइज़ को, ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा प्ले किया, ये देखें लाइट इसकी यहाँ पर पड़ना शुरू हो गई है। मेरे इस बात का ख्याल रखिए कि फोरग्राउंड पे मेरा ब्लैक कलर हो, ब्लैक मींस हाइट और वाइट मींस शो। एनीवेज, तो यहाँ पर मैंने इसको फिर यहाँ से मैंने इसकी लाइट, क्योंकि मून की लाइट यहाँ पड़ रही है इसलिए मैंने यहाँ की लाइट इसको मैंने विजिबल कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं एक दोबारा से वहाँ गया, दोबारा से मैं फाइल में जाऊँगा और प्लेस एम्बेडेड करूँगा, और इस बार मैं यहाँ पर ये लेडर मेरे पास रखी हुई है, मैंने यहाँ प्लेस की लेडर को, मैं सबसे ऊपर वाली लेयर पर ले जाऊँगा, सबसे ऊपर ये, इसको मैंने छोटा किया और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको साइज़ में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। यस, आई थिंक दिस इज़ नाइस। उसके बाद अब हम इस पर भी शेडिंग करेंगे। एक नई लेयर मैंने इस पर सेलेक्ट की और इसको भी मैंने क्लिप मास्क किया, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप मास्क, और इस पर भी मैं वाइट शेडो अप्लाई करूँगा। मैंने इस पर इस यहाँ ब्लैक है तो मैं इसको ऊपर से वाइट किया मैंने, और यहाँ पर ये यह देखें, ताकि इस पर पता चले कि मैं मून की लाइट इस पर भी पड़ रही है। इस पर मैंने थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर दी ताकि लेडर नज़र आ जाए थोड़ी सी, ठीक है जी। अब मुझे लेडर का शेडो बनाना है, तो इसलिए मैंने डुप्लीकेट लेयर की, डुप्लीकेट लेयर के लिए मैं यहाँ से इमेज में जाऊँगा, लेयर में, और यहाँ डुप्लीकेट लेयर, इसकी शॉर्टकट कमांड जे या कंट्रोल जे भी है, तो मैं वहाँ से भी जा सकता हूँ और यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो नीचे वाली जो मेरी लेयर है, इसको शेडो को मैं नीचे ले जाता हूँ, और ये जो मेरी वाइट एरिया इसके अंदर से बाहर आ गया, तो इसको दोबारा से क्लिप मास्क कर दूँगा राइट क्लिक करके, ये देखें। और जो नीचे वाला एरिया मेरे जो शेडो है, इसका शेडो के नाम से जो लेयर बनाई है मैंने, इस पर मैं इसको डार्क कर देता हूँ, कंट्रोल यू मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैं इसको डार्क शेडो बना देता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से फ़िल्टर में जाने के बाद गॉशियन ब्लर इस पर भी अप्लाई करूँगा, ताकि थोड़ा हमारे शेडो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ से फिर मैंने इसकी ओपेसिटी कम की अपने अंदाजे से, कंट्रोल टी किया, और मैं इसको यहाँ से अप्लाई इसके एज से इसको मिला दूँगा इसके शेडो को इस तरीके से। शेडो क्योंकि दूर तक पड़ रहा है, हमारी लेटर के इतना शेडो नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ से मास्क करता हूँ। इस शेडो वाली लेयर को मैंने क्लिक किया, यहाँ से मास्किंग पे क्लिक किया। अब मैं ब्रश लूँगा और ब्रश से सॉफ्ट हल्के हल्के यहाँ से मिटा दूँगा मैं यहाँ से, ये देखें सॉफ्टली मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से। उसके बाद अब हम प्लेस करेंगे
इसकी गर्ल है मेरे पास, मैंने पहले से क्रॉप करके रखा हुआ है इनको, और इसको साइज़ किया मैंने, कमांड शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको छोटा कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मुझे ये दिखाना है कि इस गर्ल के ऊपर भी मून की लाइट पड़ रही है, तो इसके लिए मुझे गर्ल को सबसे पहले टॉप सबसे ऊपर मैं गर्ल को ले गया, उसके बाद मैंने इसको एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई किया, लेवल्स में गया, इसको मैंने क्लिपिंग मास्क किया और यहाँ से मैं इनको डार्क कर दिया। मैंने डार्क करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से मास्किंग जो थी मेरी, अब मैं ब्रश मैंने दोबारा से अप्लाई किया, लिया 100% ऑपेसिटी की और इस पर हल्का हल्का सा इस तरीके से मैंने उन पर मून की लाइट दिखाने की कोशिश की। एक और एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, दोबारा से मैं एक और लेवल एक और मैंने लिया, इसको क्लिप मास्क किया और यहाँ से इस बार मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसकी लाइट को मैंने बढ़ा दिया। अब इसको मैं इन्वर्ट कर दूँगा, कमांड आई या कंट्रोल आई, दोबारा से वही अप्लाई करूँगा कि इसके फ्रंट पे ताकि लाइट आ जाए, इसलिए मैं यहाँ से ये हमारी गर्ल की लाइट सेट हो गई है। अब इसके गर्ल का मुझे शेडो बनाना है, तो इसी वाली लेयर का गर्ल वाली लेयर जो है मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा कंट्रोल जे और कमांड जे के थ्रू, और इसको मैं नीचे लेकर आ गया, ये नीचे ऊपर गर्ल वाली लेयर को ऊपर ले आया और नीचे जो गर्ल कॉपी थी मेरे पास शेडो के नाम से, इसको मैं ये तीनों को अलग से दोबारा से मुझे क्लिप पास करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया है। ये देखें ये गर्ल वाली लेयर अलग से मेरे पास शेडो वाली मौजूद है, इसका नाम मैं शेडो रख देता हूँ गर्ल शेडो। इसको मैंने दोबारा से कंट्रोल यू किया और यहाँ से मैंने इसको डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद दोबारा से अब मैं इस पर भी फैदर अप्लाई करूँगा, तो ब्लर में जाके गॉशियन ब्लर, और इसको भी मैंने गॉशियन ब्लर करके इसको ब्लर कर दिया। अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल टी किया मैंने और इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया, तो मैंने इसके नीचे रख दिया है इसकी, क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा हो रहा है शेडो, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अंदाजे से कम कर दूंगा, और यहाँ तक आ रहा है तो मैं इसलिए इसको मास्क, इसको भी मैंने शेडो को मास्क किया, ब्रश सेलेक्ट किया थोड़ा सा बड़ा करके, और मैं यहाँ से मिटाऊंगा ताकि यहाँ तक आके डिसॉल्व हो जाए मेरा शेडो। उसके बाद अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमें थोड़े से क्लाउड ऐड करने हैं यहाँ पर मून के साथ ताकि रियल फील आ सके। कुछ क्लाउड्स हैं मेरे पास, ये देखें कि क्लाउड्स बहुत शार्प हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा सा गॉशियन ब्लर इस पर भी लगा देता हूँ ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें अब ये हम इसको अपने हिसाब से जहाँ चाहें इसको हम रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। ये सारी चीज़ें जब सारी लेयर्स हो गया, ये सारा काम हो गया, तो मैंने इसको टॉप लेयर से सिलेक्ट किया और बॉटम लास्ट लेयर तक सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं इस पर उठा के रख दूंगा ये ग्रुप बन जाएगा, या तो कंट्रोल जी और कमांड जी के थ्रू मैं इसको ग्रुप बना सकता हूँ। इसकी डुप्लीकेट किया मैंने, इसको दोबारा से क्लिक किया यहाँ से और इस तरीके से डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं इसको मर्ज कर दूंगा क्योंकि मुझे फाइनल टच करना है इस पर, कलर इसके सेट करने हैं। मर्ज ग्रुप कंट्रोल ई या कमांड ई, ये देखें ये लेयर मेरे पास एक मौजूद है, और क्योंकि इसके लेयर के साइड में ये इमेजेस मौजूद हैं पहले से, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। सी प्रेस किया मैंने इसका, ये क्रॉप टूल एंड प्रेस द एंटर, ये मैंने एंटर किया इसको, ये इमेजेस यहाँ पे भी मौजूद है। खैर हमारे पास जितना एरिया हमारे पास मौजूद है उतने एरिया पे हमें इसकी कलर सेट करने हैं, तो फिल्टर में गया मैं, फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रो फिल्टर, और देख लें ब्लैक शेडो जितना हमारा आ रहा है इधर, तो उतनी ही हमारी इमेज है, एक्स्ट्रा ये वाली इमेजेस हमारी शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्लियरिटी को बढ़ाऊंगा थोड़ी सी ताकि शार्प हो सके ये इमेज। ये देखें ये पहले ऐसी थी, मैं क्लियरिटी बढ़ाऊंगा, ये देखें क्लियरिटी बढ़ी, और मैं इसको थोड़ा सा डिसैचुरेट कर दूंगा। पहले ये ऐसी थी, ये देखें सैचुरेशन इसकी देखें, पहले मैंने इसको इसकी शार्पनेस बढ़ाई मैंने क्लियरिटी के थ्रू, और अब मैं इसको डिसैचुरेट कर दूंगा। डिसैचुरेट करने के बाद अब मैं इसके एक्सपोजर देख लूँगा थोड़ा सा,
फिर यहाँ से टेम्परेचर के थ्रू मैंने इसका मूड सेट करा। या तो हम येलोइश टोन पे भी लेके जा सकते हैं इस इमेज को, या तो हम ब्लूइश भी कर सकते हैं। तो मैं आई थिंक मुझे ब्लू ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो इसलिए मैं हल्का सा क्लाउड को ब्लूइश कर दूंगा और पूरी इमेज को ब्लू टोन पे। ये वाली टोन आई थिंक बेहतर है। उसके बाद मैं एफेक्ट्स में गया। एफेक्ट्स में जाने के बाद ये अमाउंट से हम इसके एजेस को, ये साइड एजेस को डार्क लाइट भी कर सकते हैं। अमाउंट को थोड़ा सा मैंने प्ले किया यहाँ से, और ये देखें, या तो इस तरफ करूँगा तो वाइट आ जाएगा और इस तरफ करूँगा तो ये देखें ब्लैकिश टोन इसकी बढ़ेगी। तो इसके डार्क एरिया थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हाईलाइट मिड टोन इसका हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं इसको इमेज के हिसाब से। और बस आई थिंक हमारा ये देखें येलोइश हो गया दोबारा से, हम इसको ब्लूइश टोन की तरफ लेके जाते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। तो बस हमने फिर इसके बाद सेचुरेशन बढ़ा के देख लें, नहीं सेचुरेशन माइनस में ही ठीक है। एनीवेज हमने इसको ओके किया और ये देखें ये हमारी फाइनल इमेज तैयार है। ये देखें अब मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। ये बिफ़ोर था एंड दिस इज़ द आफ्टर फाइनल इमेज। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आपको पसंद आएगी, आज की मैनिपुलेशन आपको पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर अभी तक आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी चीज़ डिस्टर्बेंस है कोई चीज़, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इसकी PhD चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सनल ID सेंड करें, मैं आपको इसकी PhD पर्सनली अपनी ID से सेंड करूँगा। यहाँ पर मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकता, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी इमेजेस को रख दूंगा, इमेजेस का लिंक रख दूंगा। अगर आप खुद बनाना चाहें तो काइंडली इसको डाउनलोड करें और ख़ुद बना लें। थैंक यू वेरी मच।